माना वेलकम टू मूवी शो भी। आज रक्षाबंधन है तो सभी बहनों को और सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। भैया इसका मतलब पता है ना रक्षाबंधन का क्या होता है? भाइयों को बहनों की रक्षा करनी होती है, जेन्युइनली बाय हार्ट ध्यान रखना, और बहनों को भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार देना होता है। चलो आज की बात करते हैं। आज दोस्तों नेटफ्लिक्स ने कुछ नया करके दिखाया है। नेटफ्लिक्स बोल रहा है कि हम अपने नेटफ्लिक्स की ऐप के ऊपर तो वेब सीरीज और मूवीज लेके ही आते हैं अब, लेकिन हम यूट्यूब का जो चैनल है उनका, यूट्यूब इंडिया के ऊपर भी कुछ कुछ शोज मूवीज लेके आया करेंगे। शायद उनका अलग रेवेन्यू मॉडल हो सकता है। ये रेवेन्यू मॉडल इस तरीके का होगा कि जब यूट्यूब की अर्निंग आती है एड से, वो सीधा नेटफ्लिक्स के जेब के अंदर जाएगी, ऐसा कुछ तामझाम है। तो उनकी एक नई सीरीज आ रही है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उसका नाम है आर्यन और मीरा, और ये काफी ज्यादा कमिंग ऑफ एज तरीके की कॉमेडी कम रोमांटिक तरीके की रोम कॉम बोल सकते हैं इसको, उस तरीके की सीरीज लग रही है जहां पर एक कपल अपना कोर्टशिप पीरियड जो है थोड़ा सा एंड करता है और बोलता है कि चलो अब हम एक साथ रहते हैं, एक ही घर के अंदर रहते हैं। और वहां पर दोस्तों शुरू होती है असली तामझाम। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब आप एक दूसरे को डेट करते हो तो एक या दो घंटे तीन घंटे टाइम स्पेंड करते हो, जब आपको उसके साथ रहना होता है तो पूरी आदतें, वो किस तरीके से रहता है या रहती है, वो टीवी कब देखती है, उसकी टीवी की क्या हैबिट्स हैं, उसके खाने की क्या हैबिट्स हैं, उसकी हाइजीन हैबिट्स क्या हैं, और वो किस तरीके से अपने आप को सारा दिनचर्या अपनी बिहेव करते हैं, वो सारा कुछ दोस्तों इसके अंदर आता है। और उससे इरिटेशंस भी होती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जानने का मौका भी मिलता है। तो आप पुराना जो फिरंगी स्टाइल है वो यही होता था पहले कि भैया इफ़ यू आर सीइंग ईच अदर देन स्टार्ट लिविंग विद ईच अदर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप एक दूसरे को झेल भी सकते हो कि नहीं झेल सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि शादी कर ली और एक बार ही, फिर उसके बाद तो देर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न टाइप्स। तो उसी तरीके की ये सीरीज लग रही है, लेकिन फन तरीके से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करी गई है। एक मुझे यहाँ पर डायलॉग बहुत अच्छा लगा, आप देखना इसका ट्रेलर, उसमें बोलता है कि लड़ाई होना अच्छी बात है बिकॉज दैट मीन्स दैट पर्सन केयर्स फॉर यू। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डीप इनसाइड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे लाइफ लेसन इसके अंदर होंगे जो डिलीवर किए जाएंगे यंग कपल्स के लिए कि यार कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, अगर लड़ाई होगी तो ये मतलब नहीं है कि जस्ट मूव ऑन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये लड़ाई हुई क्यों है। तो डीपर मीनिंग होंगे इसके अंदर जो देख के मुझे अच्छा लगा, और काफ़ी मेच्योर सीरीज लग रही है। यूजली क्या होता है कि जब हम एक लवी डबी वाली कोई सीरीज देखते हैं तो उसके अंदर हम सोचते हैं सिर्फ लड़कपन होने वाला है, सिर्फ मस्ती मजाक होने वाला है, दो बंदे हैं और वो आपस में रोमांटिक जोन के अंदर ही रहेंगे। बट ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को मेच्योर लग रही है, इन अ सेंस दैट दीज पीपल मोर ऑर लेस नो वट दे नीड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों को पता है कि मुझे उस लड़के से क्या चाहिए और लड़की को पता है कि मुझे लड़के से क्या चाहिए, उस तरीके के जोन के अंदर है, विच इज़ अ वेरी मेच्योर थिंग टू शो। सो कुडोज टू द डायरेक्टर हूसोएवर दैट पर्सन इज, सॉरी मैंने जल्दबाजी में देखा नहीं वो कौन है, बट जिसने भी करा है, जिसने भी राइटिंग करी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि डायलॉग्स भी रियल लग रहे हैं, सिचुएशंस भी रियल लग रही हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमेडी का फ्लेवर है। देखो कॉमेडी जब भी आती है तो हल्का सा ओवर द टॉप रखनी पड़ती है ताकि आपके चेहरे पर स्माइल आए, क्योंकि कुछ भी अनयूजुअल जो होता है उसी से हंसी आती है यूजुअली। तो एनीवेज मिलते हैं एक और रिव्यू एक और अपडेट के साथ। बहरहाल इसका ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, इसको आपने देखना है यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल पे 25th ऑफ अगस्त को। बाय बाय।